हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और मित्रों, ये हमारी सीरीज चल रही है एलजेब्रा, जो कि पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए, और जिन लोगों ने अभी तक वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, वो आप प्लीज उन्हें देख लीजिए। क्योंकि जो भी चीजें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जितने भी क्वेश्चन या जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उन सब का संबंध, रिलेशन जरूर उन पिछले लेक्चरों से जरूर होगा। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज उन्हें लेक्चर देख लीजिए, और कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखिए। नोट्स बनाए तो रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप अगला लेक्चर देखिए। उससे क्या होगा कि आपकी इतनी अच्छी कमांड बन जाएगी कि आप ये जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो तो माइंड में फिट होगा ही होगा, और सारे क्वेश्चनों को आप ओरल सॉल्व कर पाएंगे। और मित्रों, वीडियो देखने से पहले आप क्या कर दीजिए, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके दोस्तों को भी इस सीरीज का लाभ मिल पाएगा। आइए मित्रों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4 दिया, और वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों, एक चीज आप नोटिस कीजिए कि इस लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि यदि हमें वैल्यू दियो कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू दिया था a, और वैल्यू हमसे पूछी थी कि यार x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू बताओ, तो हमने कुछ ऐसा करा था कि a का स्क्वायर कर दिया और माइनस 4 कर दिया था। मतलब प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू में गए, तो हमने इस a का स्क्वायर किया और माइनस 4 कर दिया था। तो वैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे दी है वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x की, और मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि आप मुझे बताइए कि x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे क्या कर दीजिए, इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए आ जाएगा 16, और माइनस कर दीजिए कितना 4, क्योंकि प्लस की वैल्यू से माइनस में जा रहे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इतना हमने क्या करा कि वैल्यू निकाल ली x प्लस 1 अपॉन x की और x माइनस 1 अपॉन x की। आप अगर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसे मान लूं a और इसे मान लो बी, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाली एक सरसमिका। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन x, और इसको लिख सकता हूँ कितना, x माइनस 1 अपॉन x लिख सकता हूँ। तो x प्लस 1 अपॉन x और इंटू x माइनस 1 अपॉन x इसको लिखा जा सकता है। तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो मेरे पास वैल्यू है 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 3। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मित्रों, आप चीजें समझे होंगे, तो आइए इसी बेस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 दिया, और मैं आपसे बोलूं कि यार सबसे पहले तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कि इसे यदि मैं तोड़ू तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि ये a का वर्ग माइनस b के वर्ग से इतना टूट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू तो है और सेकेंड वैल्यू नहीं है, मतलब x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू नहीं है। तो हम इतना जानते हैं लास्ट लेक्चर से कि x माइनस 1 अपॉन x इसकी वैल्यू यदि हम निकाले तो हम करें क्या, इस 5 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 25, और प्लस वाली वैल्यू से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस कितना कर दोगे 4। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ रही होगी कितनी 21, और वैल्यू किसकी है, x माइनस 1 अपॉन x की। इसका मतलब मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई, प्लस वाली इक्वेशन की और माइनस वाली इक्वेशन की। अब मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, तो मैं आंसर की ओर चले जाऊंगा। मतलब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हो गई 5, और x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू हो गई कितनी, अंडर रूट 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 21। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए आगे चलते हैं, और यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक मिनट वीडियो पॉज करके आप खुद से इसे सॉल्व करके देखिए। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं, आप प्लीज चीजें पॉज कर दीजिए वीडियो और देखिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x बनेगा, और बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x बनेगा। ठीक है, यहाँ गैप आ गया, इतना बन जाएगा। मुझे पता है कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 6 है, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर हम निकाले तो डायरेक्टली अंडर रूट हो रहा होगा, 6 का वर्ग हो रहा होगा 36, माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, अंडर रूट 32। ठीक है, ये वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन x की।
यहाँ वैल्यू x प्लस वन अपॉन एक्स की रखेंगे तो आ जाएगा 6, और इस 32 को हम लिख सकते हैं कितना 16 गुणित 2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 करनी 2, आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकलेगी। मतलब यहां मैं लिख सकता हूँ 4√2, तो सॉल्व करोगे तो 6 24 करनी 2 हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 12 होगा हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, और वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यार हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू यदि a हो और हमें वैल्यू निकालनी हो x प्लस वन अपॉन एक्स की, तो हमने कुछ ये सीखा था कि यार माइनस वाली वैल्यू से प्लस वाली वैल्यू में जाते हैं, तो हम करते क्या है इस a का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कर देते हैं 4, तो ये हमारा आ जाता है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले नंबर का लेक्चर नंबर 3। तो हम अगर वैल्यू निकालें कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो आप करोगे क्या, इस 3 का पहले कर दोगे स्क्वायर तो आ जाएगा 9, और प्लस कर दोगे कितना 4, तो आपका आ रहा होगा अंडर रूट 30। और इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये हो रहा होगा x प्लस वन अपॉन x और x माइनस वन अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि x का वर्ग माइनस वन अपॉन x का वर्ग है। x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू अगर हम देखें तो अंडर रूट 13 आ जाएगी, और x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू देखें तो 3, तो आपका आंसर हो रहा होगा 3 अंडर रूट 13, ये हो जाएगा आपका आंसर। कि आंसर मतलब x डी पावर 3 माइनस x का स्क्वायर माइनस वन अपॉन x के स्क्वायर की वैल्यू। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो हमें दिया है कि x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू 4 है, और वैल्यू हमें चाहिए कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू चाहिए, तो करोगे क्या, इस 4 का पहले स्क्वायर कर दोगे तो जाएगा 16, प्लस कर दोगे 4, तो आ जाएगा कितना अंडर रूट 20, और अंडर रूट 20 को और सॉल्व करोगे तो 2 अंडर रूट 5 आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसे यदि सॉल्व करें तो ये बना होगा x प्लस वन अपॉन x, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर से, और ये बन जाएगा x माइनस वन अपॉन x। तो x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू की यदि हम बात करें तो 2 अंडर रूट 5 है, और x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू यदि देखें तो गिवन वैल्यू थी 4, तो यहाँ 4 लिखोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 अंडर रूट 5 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मित्रों, तो इतना हम देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 14। तो यार एक काम करते हैं कि आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगला कॉन्सेप्ट कुछ नया है, तो जो भी हम अगले कॉन्सेप्ट में कंसल्ट करेंगे वो भी नया ही रहेगा पूरा। तो आप क्या करिए, जितना अभी तक हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं, इन चारों लेक्चरों को रिपीट कर लीजिए, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।